विदेशी बाजारों में तेजी के रुख से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सोमवार को सरसों, सोयाबीन तेल तिलहन और बिनौला तेल के भाव में सुधार आया। सामान्य कारोबार के बीच मूंगफली तेल तिलहन, सोयाबीन तेल तिलहन, बिनौला, CPO और पामोलिन तेल के भाव अपरिवर्तित रहे। बाजार सूत्रों का कहना है कि मलेशिया एक्सचेंज में शुक्रवार को लगभग 0.2% की तेजी थी, जबकि शिकागो एक्सचेंज में भी इतनी ही लगभग तेजी देखने को मिली थी। देश की मंडियों में आवक सोयाबीन की निरंतर घट रही है और किसान सोयाबीन की बिक्री कम भाव पर करने से कतरा रहे हैं, जिससे प्लांट वालों को सौदे पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे हैं। सूत्रों ने कहा है कि यही हाल सरसों का भी है, जिसका बहुत सीमित स्टॉक बचा है। उत्तर प्रदेश में सरसों की ही तरह के लहिया तिलहन की इन दिनों आवक होने लगी है। इसके उपज की मात्रा कम होती है और इसमें 20-25% की नमी होती है, लेकिन इसकी महक अच्छी नहीं होती, इसलिए इसके तेल के मिश्रण के लिए काफ़ी मात्रा में यानी कि लगभग 70% पुरानी सरसों की आवश्यकता होती है। लहिया के माध्यम से अभी सरसों की कमी को पूरा करना लगभग असंभव है। पक्की सरसों के मार्च के आरंभ में आने की संभावना है। सूत्रों का यह भी कहना है कि सोयाबीन की प्लांट डिलीवरी कम होने से मिल वाले सीधा मंडियों से सोयाबीन दाने की ऊंचे भाव पर खरीद कर रहे हैं, इस वजह से सोयाबीन तेल तिलहनों के भाव में सुधार आया है। उनका कहना है कि सरसों की उपलब्धता काफ़ी कम रह गई है। हालिया बरसात सरसों के लिए काफ़ी अच्छा संकेत है, लेकिन बारिश की वजह से पक्की सरसों के आने में थोड़ी देर भी हो सकती है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि सोयाबीन की पेराई में कारोबारियों को फायदा नहीं हो रहा है। प्लांट वालों को सोयाबीन के सौदे नहीं मिल रहे हैं और उन्हें किसानों से इसे महंगे में खरीदना पड़ रहा है। सोयाबीन की लगभग 50% पेराई मिलें बंद हो चुकी हैं। जो पेराई मिलें चल रही हैं उन्हें तेल के कारोबार में प्रति किलो 5-6 रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही हाल बिनौला का भी है। सामान्य कारोबार के बीच मूंगफली तेल तिलहनों के भाव अपरिवर्तित रहे। मलेशिया एक्सचेंज में तेजी होने के बावजूद भाव बेपड़ता होने से CPO और पामोलिन तेल की कीमतें भी पूर्व स्तर पर रहीं। बाकी तेल तिलहनों के दाम पूर्व स्तर पर बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।